आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं मछली सर्दी की सौगात है। सर्दी की आमद के साथ ही दीपालपुर में मछली की कीमतों में होशुबा इजाफा हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं आज के नुमाइंदे चौधरी नियाज अहमद सहू से। चौधरी नियाज अहमद, बताइएगा कितनी कीमतें बढ़ी हैं? जी बिल्कुल, ऐसा है कि दीपालपुर में भी सर्दी की आमद के साथ ही जो है वो मछली की मांग में जो है वो इजाफा हो गया है। दीपालपुर के शहरियों ने मछली खरीदने के लिए जो है वो मछली बाज़ारों का रुख कर लिया है। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद है, आईएम से जानते हैं कि मछली के क्या फ़ायदे हैं और रेट के हवाले से उनका क्या कहना है। मछली ज़रूरत है आम शहरी की, उसकी अफादियत के बारे में हम जानते हैं कि वो तकरीबन बच्चे मर्द औरत सर्दी के हवाले से सबको ज़रूरत है क्योंकि उसमें प्रोटीन होती है। और मछली के रेट के हवाले में, और मछली का रेट रोहू का 600 रुपया और सोल का 1200 रुपया बहुत ज़्यादा महंगे हैं, आम आदमी की पहुंच से बाहर है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि दीपालपुर के शहरियों का यही कहना है कि मछली जो है वो बच्चे बड़े और नौजवानों के लिए सभी के लिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें प्रोटीन होती है। लेकिन दूसरी जानब अगर बात करूं महंगाई के हवाले से तो मछली जो है वो रोहू जो है 650 रुपये और इसके साथ सोल जो है वो 1200 रुपये है। गरीब आदमी जो है वो मछली की पहुँच से बिल्कुल दूर है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि महंगाई पर कंट्रोल करे ताकि आम आदमी की पहुँच भी मछली आ सके। जी